नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जून और जुलाई के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती है और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं जून और जुलाई महीने की। इस महीने के अंदर हम बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जब भी हम अपनी इन सब्जियों के लिए अपनी खेत की तैयारी करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी हम अपने खेत की तैयारी करते हैं उसके अंदर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस के और पोटास के साथ साथ SSP और सल्फर अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि जो SSP है वो हमारी धरती को भुरभुरा करता है और उसके अंदर जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है भूमि के अंदर वो बढ़ जाती है, और जो सल्फर है वो भी सेम काम करता है। और दोनों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो हमारी भूमि है उसके अंदर पानी ग्रहण करने की क्षमता भी साथ के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि मानसून के महीने में ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा बारिश से अगर ज़्यादा पानी हमारे खेत में खड़ा हो गया तो हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए इन दो बातों का आप विशेष ध्यान रखें जब भी आप अपने खेत की तैयारी करते हैं, खेत की जुताई करते हैं इस सीज़न में सब्जियां लगाने के लिए। तो दोस्तों इसमें कुछ हम बेल वाली फसलें लगा सकते हैं इस सीज़न में, लेकिन उसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपको जब आप अपने खेत की तैयारी करते हैं तो आपको बेल वाली फसलों के लिए मेड बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप प्लेन में आप इसको लगा देंगे अपनी सब्जियों को तो उससे क्या होगा, जब भी आपके खेत बारिश होगी तो आपके खेत में पानी भर जाएगा और आपकी जो फसल है उसको नुकसान होगा। इसलिए आपको जब भी आप जून और जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार की सब्जियाँ अपने खेत में लगाएं तो मेड बनाकर उसके ऊपर आप अपनी सब्जियों को लगाएँ। सेकेंड आपको क्या करना है कि आपको जो बेल वाली आपकी सब्जियाँ हैं उनके लिए आपको खेत के अंदर पोल गाड़ देने हैं और तार बांध देने हैं उनके ऊपर, और जो भी आपकी बेल है वो तारों के ऊपर चढ़ा देनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जब बारिश होगी और आपके खेत में पानी भर जाएगा तो वो आपकी फसल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और जो आपका फ्रूट है, जो आपका फल तैयार होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कंडीशन में रहेगा, पानी के कारण वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों तो दोस्तों इसमें कुछ बेल वाली फसल है उसके अंदर मुख्यतः आप तुरई लगा सकते हैं, इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इस सीज़न में तुरई के काफ़ी आपके अच्छे रेट मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात की जाए देसी तुरई की। दोस्तों ये देसी तुरई है, इसको हम खर्रा तुरई भी बोलते हैं। दोस्तों जो ये तुरई है आपकी, ये हाइब्रिड में है, ये प्लेन होती है देखने में, और इसके ऊपर ये एक प्रकार की, यहाँ पर आप देखोगे तो एक किनारी टाइप में बनी होती है। दोस्तों अगर इसके अंदर अगर हम बात करें जाए इनके गुणों की तो हाइब्रिड के मुकाबले देसी के अंदर ज़्यादा गुण होते हैं, लेकिन इसका टेस्ट कम होता है। दोस्तों कहा गया है जो चीज़ खाने में अच्छी लगती है उसका उतना ही गुण कम होते हैं। दोस्तों इसके बाद आप कद्दू लगा सकते हैं, बेल वाली फसलों के अंदर कद्दू की भी बहुत अच्छी डिमांड रहती है और इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और इसके बाद दोस्तों आप करेला लगा सकते हैं, करेले का भी आपको बहुत अच्छा मार्जिन आपको मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि करेला शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और करेले की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। करेला लगाने के लिए आपको जो मैंने आपको पहले बताया था, आप खेत के अंदर पोल गाड़ दें और उसके ऊपर तार लगा दें, उसके ऊपर ही अपनी बेल को पहुँचाएँ, क्योंकि करेला पानी के अंदर जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप इस मौसम के अंदर घिया लगा सकते हो, घिया की भी बहुत अच्छी मार्केट में डिमांड रहती है, आप घिया से भी अच्छी पैदावार ले सकते हो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप ककड़ी लगा सकते हो, अगर ककड़ी की बात की जाए तो सलाद के रूप में ककड़ी का प्रयोग किया जाता है और इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। दोस्तों इसके बाद आप गोल घिया, इसको बोलते हैं गोल घिया, लगा सकते हो। जो मैंने पहले घिया दिखाई थी उसके और इसके टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है, इसकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड है। दोस्तों इसके बाद आप ये ककड़ी लगा सकते हो, गोल ककड़ी जिसको फुट ककड़ी भी कहते हैं, इसकी भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है और इसके जो प्रोडक्शन है उसकी लागत बिल्कुल ही कम आती है। दोस्तों इसके बाद आप अपने खेत के अंदर
मिर्च लगा सकते हो, मानसून के महीने में मिर्च की भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप पालक लगा सकते हो, पालक की साल में पूरे के पूरे 12 महीने डिमांड रहती है और पालक आप अपने खेत में आसानी से लगा सकते हो दोस्तों। अगर इसके बाद बात की जाए तो दोस्तों आप फूल गोभी लगा सकते हो, आप बैंगन लगा सकते हो, आप मकई लगा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार इन फसलों से आप मानसून में ये फसलें लगाकर आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों ये जितने भी हमने फसलें बताई थी, सब्जियां बताई थी दोस्तों, ये सारी की सारी सब्जियां आप अपने खेत में भी लगा सकते हो, आप अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों उसके बाद आप चुड़ैल लगा सकते हो, क्योंकि वो अपना एक आयुर्वेद के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है और उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और वो बिल्कुल ही नाम मात्र खर्चे में आपकी तैयार हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार की आप मानसून के अंदर फसल लगाकर कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।